मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर हुआ था, इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसका आंसर की के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे करके आए हैं पेपर और सबको पता होगा कि किसने क्या क्या चीज़ किया है, अब बारी ये है ये चेकआउट करने की कि कितने आंसर उनके सही हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि जितना भी हो पाए उतना आपका क्वेश्चन क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, एक्यूरेट प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो नए बच्चे हैं जो कि फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि हमारे चैनल के लिए न्यू है, उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट आंसर की वगैरह, ठीक है, सैंपल पेपर वगैरह हमेशा मिलते रहेगा। और एक चीज और मैं बोल दूं कि कभी काल ऐसा होता है कि आपको जो आंसर की प्रोवाइड की जाती है, जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाती है, देखो हम भी इंसान हैं, थोड़ी बहुत तो गलतियां हो ही जाती हैं, है ना। तो उस चीज़ को लेकर आप बार बार कमेंट मत किया करो, सर ये गलत है, सर वो गलत है, सर ऐसा। आप सिर्फ एक बार बता दिया करो कि सर ऐसा ऐसा ये है, ठीक है, क्योंकि देखो हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग समझदार हो, आप लोग को ये चेकआउट करना चाहिए कि जो सर ने बताया वो सही है कि नहीं है, इसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन निम्न में से एक कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब देखिए यहां पे मैं बता दूं आपको, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर में बताते जाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, इसको पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगा, इससे बहुत टाइम जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखें तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर अगर देखें तो डी हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके लगा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, मैं फटाक से बताते जा रहा हूं आपको। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का अगर आंसर देखे तो बी हो जाएगा, पांचवे क्वेश्चन का आंसर बी, सिक्स वाले क्वेश्चन का आंसर शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण करियर होता है किस चीज का, विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में। ठीक है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सातवें की अगर बात करें सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आठवें की बात करें तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, गेंद गड्ढा जोड़। ठीक है, नौवे की बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दसवें की, तो दसवें का आंसर हो जाएगा यहां पे सी। ठीक, ग्यारहवें की बात करते हैं, मूल्यांकन का अर्थ है तो उपयुक्त सभी, जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं ए बी सी तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है कि किसी क्वेश्चन वगैरह डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, वो आप अपना सजेशन भी दे सकते हो कि सर ये ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा, व्हाटएवर जो भी है वो बता सकते हो। अदरवाइज मेरी तरफ से ये सारा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, अगले बात करते हैं बारहवें का, बारहवें का बी आंसर हो जाएगा, तेरहवें का सी हो जाएगा, चौदहवें का हो जाएगा ए, पंद्रहवें का हो जाएगा डी, सोलहवें का हो जाएगा बी, सत्रहवें का हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बात करते हैं, अठारहवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, उन्नीसवें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीसवां बी, इक्कीसवें का हो जाएगा ए, बाईसवें का हो जाएगा बी, मानव शरीर की गतियों का। ठीक है, तेईसवें की बात करें तो ऊपरी भाग की शक्ति ए हो जाएगा, चौबीसवें की बात करें तो यहां पर डी हो जाएगा, 25वां क्वेश्चन इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 27.6 आंसर होगा। 6 की अगर बात करें तो बैडमिंटन इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 27 की अगर बात करें तो यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। ठीक है, बात करते हैं 28 की, तो यहां पे 28 का जो आंसर होगा ए होगा 0.88। ठीक है, 29 की बात करें तो ये हाल फिलहाल का है, जैसे चित्र में पहचान कर सही नाम चुनिए, तो आपको पता है कि ये नीरज चोपड़ा का पिक्चर है, तो इसका आप सही आंसर लगा सकते हैं, बी ऑप्शन होगा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो दृष्ट बाधित विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 31 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा। फटाक से वीडियो पॉज करके आप लगाते जाइएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाक फटाक से बता रहा हूं आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा बी, यानी कि पावर यानी शक्ति। आगे
दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गति, स्पीड जिसको बोलते हैं। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा सी। 34 नंबर, यहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा बी, अचल जोड़ जिसको बोला जाता है, ठीक है। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी आंसर, ठीक है। 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी आंसर सही। 37 की बात कर लेते हैं तो यहां पे इसका सी आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर 38 की बात करें तो यहां पे देखिए जो टेनिस है, टेनिस को ही खेलो इंडिया में कार्यक्रम में शामिल किया गया है, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो गया यहां पे। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है वो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, ठीक है। यहां पे दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, ओलंपिक ज्योति किसका प्रतीक है, तो खुशी, ज्ञान, जीवन तीनों का प्रतीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। 39 की अगर बात करें तो मैचिंग वाला है, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, ठीक है, 39 का डी। आगे 40 की अगर बात करें तो 40 वाला जो क्वेश्चन है उसका ए आंसर बिल्कुल ही राइट होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है। 41 की अगर बात करें तो यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, ठीक है। 42 की अगर बात करें तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, 43 की अगर बात करें तो यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 44, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। 45 का अगर देखा जाए तो यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। 46 का अगर देखा जाए तो यहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, निम्नलिखित गतिविधि में किस प्रकार की गणना की जा रही है, तो भार की गणना की जाए यानी कि वेट देखा जा रहा है, ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। दृष्टिहीन वाले बच्चों का जो क्वेश्चन आया था उसमें बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, परीक्षण। नेक्स्ट 47 वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिर भाई दृष्टिहीन वाले बच्चों का जो क्वेश्चन है उनमें सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, गति। 48 की अगर बात कर ले तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं जो हमारा सेक्शन थर्ड स्टार्ट हो जाता है, 49 वाले क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 50 वाला जो क्वेश्चन है यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है, स्वस्थ जीवन शैली। 51 की अगर बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 52 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, खेलों के समापन पर, ठीक है। 43 की अगर बात करें तो यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, ए और बी दोनों। 54 की अगर बात करें तो यहां पे बीएमआई निकालना था, तो आप इसका बीएमआई निकालते हो तो आपको अधिक भार देखने को मिलेगा, तो इस वजह से बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, यानी कि अधिक भार। फिर दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछा गया था इसमें भी बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, सहन क्षमता। 55 की अगर बात करें तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है, परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन। 56 की अगर बात करें तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, ठीक है, यानी कि ए बी सी तीनों ही आता है, इस वजह से इसको उपयुक्त सभी लगाया गया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 56 का। 57 का अगर बात करें तो यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, 206। 58 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे उपयुक्त सभी बिल्कुल ही राइट होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। और 59 की अगर बात करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और अगर 60 की बात करें तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। इस तरीके से आपका जो 60 क्वेश्चन था वो सारा का सारा हो गया है। ये आंसर की इवनिंग वाले बच्चों का है, जो जिनका पेपर 4 बजे के बाद हुआ था, है ना, 4 बजे जो पेपर देने गए थे उनके लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर की है वो आ गया है। मॉर्निंग वाले बच्चों का मेरे पास पेपर नहीं था, इस वजह से मैं उसका बना नहीं पाया, अदरवाइज इवनिंग वाले बच्चों का मैंने बना दिया है।
अब जो मॉर्निंग वाले बच्चे उनके लिए भी बना दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो और सारा चीज़ आपको पसंद आ रहा है, ठीक हो, हम भी ये कोशिश ही करते हैं आप लोग के लिए जितना सपोर्ट हो सकता है उतना हम करेंगे। ठीक है, जितना भी हेल्प हो सकता है उतना हम करेंगे, सारे चीज़ों का सैंपल पेपर डालेंगे, सारी चीज़ डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज अगर एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसको सर्च कर लिया करो, है ना, उसको लेकर अगर आप कमेंट करोगे, सिंपल सी चीज़ है यार, हमारी मोटिवेशन लेवल डाउन होगा कि हम आपके लिए इतना सारा चीज़ कर रहे हैं और आप लोग कमेंट कर रहे हो, है ना, तो वो सारी चीज़ देखना पड़ जाता है। इसी वजह से हम आपके लिए इतना सपोर्टेबल हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्टेबल बनिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं आपके पास मिलते रहें। ठीक है, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, और जरूर बताइए कि कुल कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और वीडियो कैसे लगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाक से बताइए।